जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है, और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे, और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू, तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे अत्याचार हो रहा है, और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। LPG गैस सिलेंडर 200 रुपये से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी, उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपये से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीज़ें वो महंगी होती जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।